बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की टमाटर की चटनी। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ते ले लिए थे। इसे आप पहले अच्छे से धो लेंगे और इसे बारीक कट कर लेना है। तो ये कड़ी पत्ते हम एंड में तड़के में इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इसे फुल पत्तों में नहीं रखना, इसे बारीक कट कर लें। और फिर हमने लिए हैं 1 पाउंड के करीब टमाटर। तो हमारे पास ये बड़ी साइज़ के टमाटर थे, तो ये 3 टमाटर काफ़ी हैं। आप देख लें, बस ये 1 पाउंड के करीब होने चाहिए। इसे आपने छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब यह है कि टमाटर की चटनी बन रही है, लिहाजा अगर टमाटर की क्वालिटी अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा राइप हुए और लाल कलर के टमाटर होंगे, तो चटनी भी आपकी मज़े की बनेगी। और यह है कि अगर आपके पास होम ग्रोन टमाटर्स हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और क्या ही मज़े की चटनी बनेगी। लेकिन यह है कि बाज़ार से भी आपको अच्छे से टमाटर मिल जाते हैं। और दूसरा यह है कि अगर आपको कट करने की सुस्ती हो रही है तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि कट हुए टमाटर्स का टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। अब एक देगची में हमने 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे तेल डाल दिया था, साथ ही में 1 बड़ी चम्मच लहसुन की। तो यहाँ पे लहसुन पेस्ट हमने यूज़ किया है और बस इसे थोड़ी ही देर के लिए हमने मिक्स करना है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ये देखें, बस ये इतना ही आपने इसे करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, बस ये तमाम टमाटर आपने इसमें शामिल कर दिए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप इसे ढकने से कवर कर दें और इसे मीडियम लो हीट पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें, बस थोड़ी ही देर में आपने देखा है कि इसका पानी भी सारा सूख चुका है, और आप थोड़ा ही चमचा हिलाएंगे तो ये टमाटर जो है ये अच्छे से गल चुके होंगे, तो ये अच्छा सा एक इसका पेस्ट बन जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच सफ़ेद सिरका, बस ये भी आप इसमें डाल दें तो इससे भी है कि फ़्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। अगर टमाटर की चटनी आपको लंबी रखनी है तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा ड्राई कर लें, इसका पानी ना रहने दें इसमें। अच्छा, तो अब हम तड़के की तैयारी शुरू कर देंगे। तो एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आप तेल डाल दें, चाहे तो कम तेल भी डाल सकते हैं। इसमें डाले हैं हमने बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते जो हमने पहले काट के रखे थे, और 1 बड़ी चम्मच राई। तो बस ये हम इतना वेट करेंगे कि जब तक ये राई जो है आपकी चटकना शुरू नहीं हो जाती। और जैसे ही आपका ये तड़का तैयार हो जाएगा तो हमने जो चटनी बना के रखी थी उसके ऊपर आप इसे डाल दें। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है, बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये है कि आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें, चाहे घर में समोसे बने हो, इडली हो, डोसा हो, या कोई और चीज़, आप इसे सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।